श्योपुर पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हत्याकांड के मुख्य बिंदुओं का किया खुलासा। खबर श्योपुर से है, जहां एसपी अभिषेक आनंद ने हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस महिला की गुमसुदगी की तफ्तीश कर रही थी कि पुलिस की नज़र महिला के घर में अभी अभी हुए नव निर्माण पर पड़ी। वहीं मोहल्ले वालों ने जानकारी लेने के बाद पुलिस की शक की सुई दीपक पर आही टिकी। दीपक ने 16 लाख की एफडी तोड़ शेयर मार्केट में लगाई थी, जहां से उसे भारी नुकसान हुआ था। तब से ही मां बेटे में काफी कहासुनी हुई थी। दीपक की नजर अब उसकी मां के नाम की 30 लाख की एफडी और मकान पर थी, जिसके चलते उसने मां को ठिकाने लगा दिया। श्योपुर से संवाददाता में श्रीवास्तव की रिपोर्ट। घटना पुलिस के संज्ञान में 6 तारीख की गुमशुदगी दर्ज की गई थी, जिसमें एक महिला की गुमशुदगी जो है करीब 65 से 70 साल उम्र बताई गई थी, उनकी गुमशुदगी दर्ज की गई। पुलिस ने उसमें उस मामले गुमशुदगी दर्ज करने के उपरांत जो है इसमें घटना स्थल और उसके आसपास के पड़ोसी से बात की, और फिर जो जिसने गुमशुदगी दर्ज की थी पुत्र ने उससे भी बातचीत की, तो लोगों के आसपास के लोगों के द्वारा जो बताया गया और जो लड़के के द्वारा जिसने गुमशुदगी दर्ज की गई तो उसमें उसके द्वारा बताया गया, तो इसमें अलग अलग मामला दिखा, तो उसका संदिग्ध पूरा घटनाक्रम लगा। तो उसके बाद फिर पुलिस ने सख्ती से उसके बेटे से पूछताछ की और उसके घर का मुआयना किया, तो एक जगह जो पुलिस को नव निर्माण दिखा एक मकान के एक कोने में। उस नव निर्माण को देखने के बाद वहां पे प्लास्टर का काम हुआ था, पुलिस ने उसको प्लास्टर को हटाया, तो उसके विधिवत अनुमति लेके उसको प्लास्टर को हटाया। तो उसके बाद फिर जो उसमें वहां पर एक जो महिला जिसकी गुमशुदगी दर्ज की थी उनकी डेड बॉडी प्राप्त हुई पुलिस को, और इसके संबंध में जब उसके पुत्र से जानकारी प्राप्त की गई तो उसने स्वीकार किया कि उसी ने अपनी मां की हत्या की, और हत्या करने के बाद फिर जो है बॉडी को वहां पर उसने जो है उसी ने रख करके उसके ऊपर प्लास्टर कर दिया था। वजह क्या निकल के आ रही है सर? इसमें जो अभी जो जानकारी आ रही है उसमें बेटे ने जो शेयर मार्केट में बेटे ने करीब 15-16 लाख रुपए थे वो इन्वेस्ट किया था, वो लॉस हो गया था। माँ के नाम पर मकान था और करीब 30 लाख रुपए की एफडी थी, तो बेटे की कहीं ना कहीं नजर उस संपत्ति पर थी, और इसी संपत्ति के लोभ में उसने जो ये घिनौना कृत्य किया है। कैसे मारा सर? अभी जो जानकारी अभी जो है बेटे से और इस संबंध में और पूछताछ चल रही है। संभवतः जो अभी जो जानकारी है उसके हिसाब से उसने बेटे ने अपने माँ को सर पे मारा है किसी चीज से, उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और घटना स्थल के आसपास के मुआयना करके अपन आगे की जो कार्रवाई है विधिवत वैधानिक वो करेंगे। सर इसके अलावा कोई उसका साथी या उसमें कोई अभी ये जो महिला है और ये पुत्र उसका बेटा दोनों केवल उस मकान में रहते थे, अभी तक कोई साथी धरा न उसकी जानकारी अभी तक पुलिस को प्राप्त नहीं हुई। 6 तारीख को गुमशुदगी हुई है, उसके पहले कब हत्या करना बताया?